इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे साइप्रस और दोस्तों रोमानिया के होने वाले आज के दोस्तों सेकेंड T10 मैच के बारे में। देखो दोस्तों ये दोनों टीमों का ध्यान रखना, इस टूर्नामेंट का ना फर्स्ट मैच रहेगा। और देखो जब भी फर्स्ट मैच रहता है स्पेशली दोस्तों T10 जैसे टूर्नामेंट में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, दोनों टीमों के सभी प्लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनका बैटिंग से कैसा रिकॉर्ड है। कोई ऑलराउंडर प्लेयर है तो फिर दोस्तों उनका बैटिंग बॉलिंग दोनों से कैसा रिकॉर्ड है। यदि कोई बॉलर है तो फिर उनका बॉलिंग से कैसा रिकॉर्ड है, कौन से बॉलर कहाँ पे बॉलिंग करते हैं, डेथ में कौन से बॉलर बॉलिंग करते हैं, क्योंकि आपको ही पता है दोस्तों डेथ में जो बॉलर करता है स्पेशली T10 जैसे टूर्नामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि दोस्तों आप लोग इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना टाइम निकाल के वीडियो पूरा वॉच करना, सभी प्लेयर का इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड उनका ग्रेदर करना, लिख लेना, कॉपी पे हो सके तो नोट कर लेना, और उसके बाद कॉम्बिनेशन सेट करके बनाइएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक ना। ऐसे आपको मैं टोटल कंफ्यूजन क्लियर करने का कोशिश करूंगा इस वीडियो में, और आगे आपको मैं स्मॉली का अपना टीम भी शेयर करूंगा। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस मैच के रिगार्डिंग जो भी मैं टीम दे रहा हूं, कोई भी उसमें चेंजेस करना होगा तो फाइनल कॉम्बिनेशन टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। और एक और चीज़ दोस्तों, यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको पी देवर का मिलेगा, जो इस साल अभी तक 18 मैच खेले T10 में, जहाँ पर बैटिंग से 282 रन स्कोर किए हैं। थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आएंगे, ऐसे तो ये डोमेस्टिक में टॉप ऑर्डर में खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको 4 से 5 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे। फिर नीचे दोस्तों आपको एस नाडी गोटला का ऑप्शन मिलेगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, अच्छा हार्ड हिटर बैट्समैन है, 18 मैच इस साल खेले हैं T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 330 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एन पठिराना का ऑप्शन मिलेगा, जिनको आपको किसी भी टीम में नहीं रखना है, बिकॉज बैटिंग करने दोस्तों आते नहीं और आएंगे भी तो ज़्यादा स्कोर करेंगे नहीं। इस साल 17 मैच के लिए T10 में, जहाँ पे बैटिंग से देखो तो सिर्फ और सिर्फ 59 रन स्कोर किए, तो आपको यहाँ से भी पता चल रहा है। फिर नीचे आएगा तो आपको ए साकुर का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों 8 मैच के लिए T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 61 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे आपको आई मोहम्मद का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों T10 में 12 मैच खेले, जहाँ पे बैटिंग से 140 रन स्कोर किए हैं। अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो दोस्तों आपको आर मजुमदार का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों इस साल 21 मैच खेले T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 237 रन स्कोर किए हैं, और वहीं दोस्तों 21 मैच में बॉलिंग से आपको 11 विकेट प्रोवाइड किए और 18 ओवर बॉलिंग किए। बॉलिंग दोस्तों इन्होंने कम किया, इस चीज़ पे फोकस रखिएगा, और बैटिंग से भी दोस्तों एवरेज परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं कि 21 मैच में इन्होंने 500 रन स्कोर कर दिया हो। फिर नीचे आएगा आर सतीशन, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है, इस साल 26 मैच खेला है T10 में, जहाँ पे बैटिंग से भी 570 रन स्कोर किए, इंपॉर्टेंट रहेंगे और पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। नीचे दोस्तों आपको एडी सिल्वा का ऑप्शन मिलेगा, ओपन बैटिंग करेंगे, नहीं तो दोस्तों बहुत हुआ तो आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे, अच्छे प्लेयर है, अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन है, इस साल 13 मैच खेले T10 में, जहाँ पे बैटिंग से भी देखे तो 340 रन स्कोर किए, जिसमें दोस्तों इनका हाईएस्ट स्कोर भी 283 रन का रहा था। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एम अजूज का ऑप्शन मिलेगा, अच्छा प्लेयर है दोस्तों, ऑलराउंडर प्लेयर बोले तो सही नहीं रहेगा दोस्तों, बिकॉज बॉलिंग भी ये काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, इस साल बहुत कम मैच खेले, सिर्फ 2 मैच ही खेले T10 में, जहाँ पे 65 रन स्कोर भी किए और 2 मैच में 3 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट लिए भी है, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो काफ़ी अच्छा है, 33 मैच टोटल इन्होंने T10 करियर में खेला है, जहाँ पे बैटिंग से 887 रन स्कोर भी किए और 33 मैच में 28 विकेट आपको बॉलिंग से प्रोवाइड भी किए हैं। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एल पिटाया का ऑप्शन मिलेगा, परफॉर्मेंस देखे तो 5 मैच खेले, जहाँ पे दोस्तों बैटिंग से भी 0 रन और वहीं दोस्तों बॉलिंग भी 1 ओवर किए, विकेट नहीं मिला है, ड्रॉप करके चलो। ए अस्टन का भी दोस्तों बहुत अच्छा तो रिकॉर्ड नहीं है, 4 मैच खेले इस साल T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 22 रन स्कोर किए और किसी मैच में बॉलिंग नहीं किए। लास्ट ऑप्शन आपको आर कुमार का मिलेगा, जो दोस्तों 5 मैच खेले इस साल T10 में, जहाँ पे 35 रन बैटिंग से स्कोर किए हैं। अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन एम गुनासेकरा का मिलेगा, जो दोस्तों इस साल 13 मैच खेले T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 309 रन
और 13 मैच में 8 विकेट बॉलिंग से भी प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे का इस सांदुगन एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है दोस्तों, बहुत अच्छा बॉलर भी और बैटिंग भी काफ़ी तगड़ा करता है। 15 मैच खेले हैं इस साल दोस्तों T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 313 रन और 15 मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से भी 12 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचेगा दोस्तों तो आपको एच वशिष्ठ का ऑप्शन मिलेगा। बैटिंग दोस्तों ये नहीं करते, ध्यान रखना ठीक ना, बॉलिंग अच्छा करेंगे, 2 ओवर बॉलिंग कर जाएंगे, बट बैटिंग से उम्मीद कम रखना। 14 मैच ऐसे खेले हैं T10 में जहाँ पे बैटिंग से 83 रन स्कोर किए और 14 मैच में आपको बॉलिंग से 10 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचेगा दोस्तों तो आपको तरनजीत सिंह का ऑप्शन मिलेगा, डेफिनेटली आपके टीम में होने चाहिए। देखो दोस्तों इस मैच में ना आपको टी सिंह 3 मिलेंगे। फर्स्ट हो गए दोस्तों तरनजीत सिंह, जिनको आप कैप्टन बीसी भी कर सकते हो। रिकॉर्ड देखें तो 18 मैच खेले T10 में इस साल, सिर्फ इस साल का मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बैटिंग से 562 रन स्कोर किए और 18 मैच में बॉलिंग से 18 विकेट लिए। फिर नीचे ही आइएगा तो दोस्तों आपको अनदर टी सिंह मिलेगा। इनका दोस्तों पूरा नाम है तेजविंदर सिंह, बहुत अच्छा दोस्तों ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर लेता है। बैटिंग ऐसे आपको 4 से 5 नंबर पे करने आएंगे, 2 ओवर आपको बॉलिंग करके देंगे। 18 मैच इन्होंने इस साल खेला है दोस्तों T10 में और इस 18 मैच में बैटिंग से आपको 252 रन स्कोर किए और वहीं दोस्तों 18 मैच में 15 विकेट आपको प्रोवाइड किए। तो ये दोनों टी सिंह दोस्तों आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शन से इंपॉर्टेंट है और एक टी सिंह आपको बॉलिंग सेक्शन में भी मैं आगे बताऊंगा। फिर नीचेगा आई हुसैन का आपको ऑप्शन मिलेगा, जो इस साल 10 मैच खेले T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 190 रन स्कोर किए और वहीं दोस्तों 10 मैच में बॉलिंग से 14 ओवर बॉलिंग करके 10 विकेट प्रोवाइड भी किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एस अहमद का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों 9 मैच खेले T10 में, जहां पे बैटिंग से 101 रन स्कोर किए और वहीं दोस्तों 9 मैच में 13 ओवर बॉलिंग करके 5 विकेट प्रोवाइड भी किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एम गसिम का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों इस साल 5 मैच खेले T10 में, जहां पे बैटिंग से सिर्फ 7 रन और 5 मैच में 1 ओवर बॉलिंग किए, विकेट दोस्तों मिला नहीं है। अब बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में आइएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपको डब्लू अली का मिलेगा, जो दोस्तों इस साल 16 मैच खेले T10 में, जहां पे बैटिंग से 102 रन और 16 मैच में दोस्तों बॉलिंग से आपको 10 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको एल सिंह का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों इस साल 11 मैच खेले T10 में, जहाँ पे 14 ओवर बॉलिंग किए और 4 विकेट प्रोवाइड किए। एल सिंह को दोस्तों इस साल ध्यान रखना विकेट काफ़ी कम मिला है, अच्छा बॉलर है लेकिन विकेट कम मिला और डेथ में बॉलिंग नहीं करता है। भी सैनी दोस्तों ध्यान रखना, 1 ओवर पावर प्ले में और 1 ओवर आपको डेथ में बॉलिंग करने आएंगे और एक दोस्तों ऑलराउंडर प्लेयर है, सिर्फ इनको एज अ बॉलर मत समझना ठीक ना। आप इनका रिकॉर्ड देखो ना, इस साल भाई ने 22 मैच खेला है और इस 22 मैच में बैटिंग से 456 रन स्कोर किए हैं और वहीं दोस्तों बॉलिंग से भी 15 विकेट ले चुके हैं। तो इसलिए मैं बोला इसको सिर्फ बॉलिंग मत समझना, बैटिंग से भी आपको रन करके देगा। एन कुमार भी दोस्तों अच्छा प्लेयर है दोस्तों, डेथ में बॉलिंग करने आएगा, 1 ओवर 4 मैच खेले इस साल दोस्तों T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 27 रन और 4 मैच में 7 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट प्रोवाइड किए। विकेट कम मिला है लेकिन सभी मैचों में इन्होंने बॉलिंग किया है। फिर नीचे दोस्तों आपको ए आसिफ का ऑप्शन मिलेगा, 10% सिलेक्शन है लेकिन ये भी प्लेयर दोस्तों बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेता है। 14 मैच इस साल खेले T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 238 रन स्कोर किए और 14 मैच में दोस्तों बॉलिंग से भी आपको 14 विकेट प्रोवाइड किए, इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको SI का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों इस साल बहुत ही कम मैच खेले, 2 मैच खेले जहां पे 3 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट प्रोवाइड किए हैं। ऐसे इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो टोटल इन्होंने T10 में 23 मैच खेला है, जहां पे 31 ओवर बॉलिंग करके आपको दोस्तों 14 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको एच सिंह का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों 26 मैच खेले T10 में, जहाँ पे 38 ओवर बॉलिंग करके आपको 22 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको टी सिंह का ऑप्शन मिलेगा, इनका दोस्तों नाम है तरनजीत सिंह ठीक ना। इनका रिकॉर्ड देखें तो इस साल 11 मैच खेले, जहां पे 7 विकेट प्रोवाइड भी किए और 11 मैच में 22 ओवर बॉलिंग भी किए, डेट मीन्स सभी मैच में रेगुलर इन्होंने 2-2 ओवर का बॉलिंग किया है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एक कल्याणी का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों 17 मैच खेले इस साल T10 में, जहाँ पे 23 ओवर बॉलिंग करके आपको 10 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एसुल्ला का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों 9 मैच खेले T10 में, जहां पे 10 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट प्रोवाइड किए हैं। अब बात करें दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग कैप्टन बीसी ऑप्शन, देखो दोस्तों कैप्टन बीसी ऑप्शन के लिए यदि एमओज का दोस्तों बैटिंग ऑर्डर में टॉप ऑर्डर में नाम रहता है तो आप इनको कर सकते हो, बहुत ही कम लोग लेके आएंगे। फिर अनदर दोस्तों कैप्टन बीसी ऑप्शन में यदि आप सेफ जाना चाहते हो तो फिर नीचे और भी ऑप्शन है दोस्तों, जैसे तरनजीत सिंह,
तेजवेंद्र सिंह और दोस्तों ईशान धोनी। ये तीन दोस्तों ऐसे प्लेयर हैं जो प्रॉपर आपको बैटिंग भी करके देंगे और बॉलिंग भी करके देंगे। अभी के लिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, जंजीत सिंह को कैप्टन किया हूँ और वाइस कैप्टन दोस्तों मैं सी साधवन को किया हूँ। यदि दोस्तों नीचे से तेजवेंद्र सिंह टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आए तो कुछ दोस्तों सोचना मत, वाइस कैप्टन डायरेक्ट इसको आप कर लेना। ओके, अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोंटेस श्वाइन करके रखिए टॉस के बाद। यदि दोस्तों प्लेइंग 11 को ध्यान में रखते हुए कोई भी चेंजेस करना होगा, मान के चलो इस टीम में से कोई प्लेयर नहीं खेलता है, या दोस्तों मेरे को कोई चेंजेस करना होगा बैटिंग पोजीशन को देखते हुए, तो कोई नहीं, मैं आपको फिर से फाइनल कॉम्बिनेशन टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, आई होप आप लोगों ने कर भी लिया होगा, नहीं किया दोस्तों कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन आप ओपन करोगे तो वहां पर भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, चाहिए दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।